नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। यूपी की सियासत देश के केंद्र में इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियों में बनी हुई है। वजह है मैनपुरी लोकसभा सीट पर होने वाली उपचुनाव। आज सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर ईवीएम को लेकर अलग अलग दावे किए जाना शुरू हो चुका है। समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार यहाँ पर आरोप लगाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर। दरअसल आपको बता दें कि साल 1996 से लेकर अब तक इस सीट पर जीत हासिल की समाजवादी पार्टी ने, लेकिन इस बार नजारा कुछ और है क्योंकि हमारे बीच अब सपा संरक्षक यानी कि नेताजी वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह यादव जी नहीं है। उनके चले जाने के बाद ये सीट खाली हो चुकी है और उनके गुजर जाने के बाद अब जो उपचुनाव हो रहे हैं उनको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सीधे तौर पर यही दावा कर दिया है कि इस बार इस सीट पर बीजेपी की जीत होगी। देखना यह होगा क्या वाकई में बीजेपी यहाँ पर जीत हासिल करती हुई नजर आएगी। भारतीय जनता पार्टी ने दावा कर दिया है कि इस बार इस सीट पर कमल ही खेलेगा। खैर, ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। लेकिन इस बीच अगर बात की जाए यहाँ पर सपा प्रत्याशी डिंपल यादव के बारे में, डिंपल यादव को लेकर तमाम खुलासे हो रहे हैं। यादव कुनवे के तमाम सदस्यों के बारे में हमने आपको अपनी बीती पिछली रिपोर्ट में बताया ही, तमाम जानकारियां साझा की, ना सिर्फ यादव कुनवे को लेकर बल्कि यहां पर बीजेपी के उम्मीदवार रघुराज सिंह शाके को लेकर भी। इस रिपोर्ट के जरिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं यहां पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव और डिंपल यादव की बड़ी बेटी अदिति यादव के बारे में। दरअसल आपको बता दें कि आज इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताएंगे कि इस चुनावी रणनीति के बीच, इस चुनाव के बीच यहाँ पर डिंपल यादव ने जो हलफनामा दिया था उस हलफनामे के मुताबिक तमाम खुलासे हुए हैं। आपको बताना चाहेंगे इस हलफनामे के मुताबिक खुलासा ये भी हुआ है कि आखिरकार डिंपल यादव कितने करोड़ों की संपत्ति की मालकिन है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर ये भी सामने आया है कि उनकी बेटी भी यहाँ पर लाखों की संपत्ति की मालकिन बताई जाती है। आइए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए, और इस रिपोर्ट के जरिए आपको यहाँ पर अदिति यादव के बारे में कुछ यहाँ पर फैक्ट्स भी बताना चाहेंगे। सुनिए जरा ये रिपोर्ट। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच जंग छिड़ी हुई है, मैनपुरी, रामपुर और खतौली सीट के उपचुनाव के चलते आपको बता दें 5 दिसंबर के दिन सुबह 7 बजे से इन तीनों ही सीटों पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई। वहीं शाम 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चली और इस बीच ईवीएम में हुई धांधली को लेकर सपा और भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला देखने को मिला। लेकिन इसी बीच यहां पर तमाम राज भी खुलते हुए नजर आए हैं। बात करेंगे एक बार फिर से यादव कुनवे के बारे में। जैसा कि हमने आपको बताया है कि इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताएंगे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की बड़ी बेटी अदिति यादव के बारे में। डिंपल यादव जो मैनपुरी से प्रत्याशी बनाई गई सपा की तरफ से, डिंपल यादव ने इन चुनाव में जीत हासिल करने का दावा किया, लेकिन जब नामांकन पत्र दाखिल करने वह मैनपुरी पहुंची, मैनपुरी में जब वह पहुंची नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए, उस वक्त उनके नामांकन पत्र के मुताबिक कई बड़े खुलासे भी हुए। आपको बताना चाहेंगे कि डिंपल यादव की संपत्ति को लेकर अब तक कई बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। रघुराज सिंह शाके को वह टक्कर देती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि डिंपल के लिए चुनाव जीतना पारिवारिक प्रतिष्ठा का सबब बन चुका है और ऐसे में अखिलेश यादव जोरों शोरों से प्रचार करते हुए नजर आए हैं। लेकिन डिंपल यादव के बारे में आपको जानकारी दे दें, कन्नौज से 2 बार सांसद वह चुने जा चुकी हैं और चुनाव में हार का सामना भी उन्होंने किया है, फिरोजाबाद से भी और कन्नौज से भी। साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान डिंपल ने कन्नौज से चुनाव लड़ा था और बीजेपी के सुब्रत पाठक ने उन्हें हराया था। अब बात की जाए यहाँ पर हलफनामे की तरफ, तो इस हलफनामे में उनकी संपत्ति का ब्यौरा भी दिया गया, जिसके मुताबिक सामने आया कि डिंपल यादव के पास लखनऊ और सैफई में लाखों करोड़ों की जमीन है, लेकिन बीते पिछले 10.5 महीने में उनकी संपत्ति में कटौती हुई है, कम हुई है उनकी संपत्ति। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने अपनी कुल संपत्ति बताई थी 40 करोड़ 14
40 करोड़ 14 लाख रुपए से भी ज्यादा, लेकिन 10.5 महीने में ये कटकर 39 करोड़ 91 लाख 50 हजार 416 रुपए बताई गई है। साल 2004 से अब तक अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने जितनी बार चुनावी हलफनामा दायर किया उसमें यहां पर संपत्ति में इजाफा हुआ, लेकिन इस बार कमी देखने को मिली। हलफनामे के मुताबिक सामने आया कि डिंपल यादव के पास तकरीबन 1.25 लाख का कंप्यूटर, करीब 60 लाख के गहने हैं, लेकिन कार या बाइक नहीं है। अखिलेश के नाम पर 76 हजार का फोन, तकरीबन 5.5 लाख की यहां पर एक्सरसाइज मशीनें हैं, लेकिन उनके नाम कोई गाड़ी नहीं है। लेकिन गौर यहां पर किया जाए डिंपल यादव की प्यारी सी बेटी अदिति यादव के बारे में, तो अदिति को लेकर भी दावा किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि अदिति को लेकर ये दावा किया गया है कि अदिति यादव लाखों की संपत्ति की मालकिन है। यादव कुनबे में कौन सदस्य कितने संपत्ति का यहां पर मालिक है, उससे हटकर अगर यहां पर यादव परिवार की ही बेटी अदिति के बारे में बात की जाए, सपा संरक्षक दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव जी की लाडली प्यारी सी पोती अदिति यादव को लेकर ये खुलासा हुआ है, ये दावा हुआ है कि अदिति यादव तकरीबन 10,96,000 रुपए की संपत्ति की मालकिन है। ऐसा दावा यहां पर हलफनामे के मुताबिक किया गया है। अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक जो खबरें सामने आई हैं उसके मुताबिक किया गया है। नेक्स्ट नाइन न्यूज इस बात की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन आपको जानकारी दे दें अदिति के बारे में, बेहद आलीशान जिंदगी वह बिताती हैं। तमाम तस्वीरें आप देख ही रहे होंगे। अदिति यादव एक पॉलिटिकल फैमिली में जन्मी है, तो तेवर भी उनके सियासी हैं। अदिति यादव से जब पूछा गया सवाल, उन्हें दुनिया में कौन सी जगह ज्यादा पसंद है, उन्होंने एक ही जवाब दिया, सैफई। अखिलेश यादव का पैतृक गांव है सैफई, और अदिति यादव पढ़ाई में काफी ज्यादा व्यस्त हैं। आपको ये भी बता दें कि अदिति ने इंग्लिश में एक गाना गाया था जब सैफई में साल 2016 में एक प्रोग्राम हुआ था, एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, उस वक्त उन्होंने गाना गाया था। आयोजन में बड़े से बड़े उद्योगपति, सिने स्टार और राजनेता मौजूद थे, और उस वक्त अदिति चर्चा का विषय बन गई थी। 12वीं की परीक्षा जब उन्होंने दी तब उन्होंने 98% अंक हासिल किए थे। सोशल मीडिया पर अदिति काफी एक्टिव रहती हैं। साल 2019 में उन्होंने ट्विटर ज्वाइन किया और महज 3 लोगों को फॉलो करती हैं अदिति, और 1 लाख से भी अधिक उनके फॉलोअर्स हैं, और लगातार सोशल मीडिया पर अपनी माँ को वह समर्थन देती हुई नजर आती हैं। अदिति से हटकर यहाँ पर उनके दोनों ही भाई बहन टीना यादव, अर्जुन यादव भी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। देखने में बेहद खूबसूरत हैं अदिति, और लाइफस्टाइल पर गौर किया जाए तो काफी बेहतरीन तरीके से वह जिंदगी बिता रही हैं। राजनीति से दूर है, लेकिन सोशल मीडिया पर उन्होंने लिख रखा है मिशन 2024। इस तरह से अदिति यादव राजनीति से भी कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा जाना इस रिपोर्ट के जरिए अदिति यादव के बारे में, सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और लगातार अपनी मां को समर्थन देती चली आ रही हैं कि जीत तो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी की होगी। फिलहाल देखा जाए वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा कि आखिरकार यहां पर समाजवादी पार्टी जीत हासिल करती हुई नजर आती है या फिर नहीं, साइकिल दौड़ती हुई नजर आएगी एक बार फिर से या फिर नहीं, या फिर कमल खिलता हुआ दिखाई देगा। इस पर आपकी क्या कुछ राय है ये आप बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। 8 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे। इस रिपोर्ट में ही बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।